के बैठे हैं और भरोसा है इस कदर मसीहाई पे आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। भरोसा है इस कदर मसीहाई पे आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। खूबसूरत शायरी शायर बेधड़क साहब से आपसे बात कर रहे थे। मेंबर नूर पे आप देख रहे हैं, अपनी माथे की निगाहों से अजीम लहजा है दुनिया जिसे शायर फितरत बुलबुले सिवान हजरत हाफिज वकारी बिलाल रजा सिवानी के नाम से जानती और पहचानती है। जिस शायर का इंतजार आप तमामी हजरात कर रहे थे, मैं बिला ताखिर उनको हवाले आपको कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अगर आपने माहौल बनाया तो शायर के बाद तकरीर भी आपको सुननी है, है ना? जिस तरीके से आप माहौल रखे, आप उंगली ना कीजिएगा, ऑपरेटर साहब ठीक ठाक बज रहा है ना, तो आप बिल्कुल खामोश बैठे रहे। तो इंशाल्लाह अगर आपका माहौल रहा तो शायर के बाद तकरीर भी एक होनी है, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं अपनी तेजी के साथ ही शायर को आपके हवाले करूंगा और गुजारिश करूंगा जो लोग इधर उधर बैठे हों या उठ करके चले गए हों, अगर जरूरियात हो तो अपने जरूरियात से फारिग होकर तशरीफ लाएं। मैं जिनको संभाल सकता हूँ वो अगर इसमें नहीं दिखाई देगा तो मैं कल उपाय कर दूंगा, लेकिन जिसे मैं नहीं कर सकता तो उसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा अदब के साथ जो लोग हमारे चचा हो बुजुर्ग हो उठ करके गए हो वो अब बिला ताखीर महफिल रसूल में शिरकत करें। मैं उस शायर को आपके हवाले करूंगा, उससे पहले मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर जो आज पूरे हिंदुस्तान में फरमाइश होती है, मैं चाहता हूँ शेर को पढ़ूं कि हमारे हाथ में मिसवाक है तलवार थोड़ी है, हमारे हाथ में मिसवाक है तलवार थोड़ी है, खुदा के साथ है वरना कोई हथियार थोड़ी है। हमारे हाथ में मिसवाक है कोई तलवार थोड़ी है, खुदा के साथ है वरना कोई हथियार थोड़ी है। और फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। और रबीउल नूर के महीने में बैठे हैं, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बोलेंगे। अल्लाह सलामत रखे। मेरा एक शेर सुन ले के हमारे हाथ में मिसवाक है तलवार थोड़ी है, खुदा के साथ है वरना कोई हथियार थोड़ी है। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। और हजारों ईद से बढ़कर, हजारों ईद में भारी रबीउल नूर से बढ़कर कोई त्योहार थोड़ी है। हजारों ईद से बढ़कर, हजारों ईद पे भारी, हजारों ईद से बढ़कर, हजारों ईद पे भारी रबीउल नूर से बढ़कर कोई त्योहार थोड़ी है। और इस लफ्ज़ थोड़ी थोड़ी को देखा तो किसी ने कहा था कि गुलामे अहमद मुख्तार है कोई दुनियादार थोड़ी है, गुलामे अहमद मुख्तार है कोई दुनियादार थोड़ी है, गुलामे सैयद अबरार है कोई गद्दार थोड़ी है। और नबी ने जमी से ही आसमान के चांद को दो टुकड़े कर दिया, ये अंगुश्ते नबी है कोई तलवार थोड़ी है। नबी ने जमी से ही चांद को दो टुकड़े कर दिया, ये अंगुश्ते नबी है कोई तलवार थोड़ी है। और एक शेर है, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस का दामन, ख्वाजा अजमेरी का दामन, मसलक आला हजरत, ताजु शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की मोहब्बत से आप कह दे सुभान अल्लाह। मैं उस शेर मुकम्मल कर दूं, मुझे उम्मीद है कुछ लोग जरूरत के सबब निकले हैं, इंशाल्लाह वो शायर की आवाज सुन करके जरूर तशरीफ लाएंगे। मेरा शेर मुकम्मल सुन ले आप, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि हमारे हाथ में मिसवाक है तलवार थोड़ी है, खुदा के साथ है वरना कोई हथियार थोड़ी है। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहां भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। हजारों ईद से बढ़कर, हजारों ईद पे भारी रबीउल नूर से बढ़कर कोई तलवार थोड़ी है। और नबी ने ही जमीन से आसमान के चांद को दो टुकड़े कर दिया, ये अंगुश्ते नबी है कोई तलवार थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है, नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है।
नबी के नाम लेवा है नबी पे जान दे देंगे, नबी के नाम लेवा है नबी पे जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर कोई तहवार थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। जब इसी थोड़ी पे देखा तो राहत दिन देरी ने कहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। सरजमीन हिंदुस्तान में आप भी रहते हैं माशाल्लाह, इखलाक भाई शेर पे सपोर्ट करेंगे मेरा कि हमारे हाथ में मिसवाक है, तलवार थोड़ी है, खुदा के साथ है वरना कोई हथियार थोड़ी है। फरिश्तों ने कहा आगे बढ़ो और जाओ जहन्नम में, वहाँ भी जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। हजारों ईद से बढ़कर हजारों ईद पे भारी, रबीउ नूर से बढ़कर कोई तहवार थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है नबी पे जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अगर खिलाफत तो होने दो कोई जान थोड़ी है, ये सब हुआ है कोई आसमान थोड़ी है। और यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस थोड़ी थोड़ी भी बहुत सारी शायरी है, लेकिन मैं नहीं चाहता। बदलू आप मुल्क का अजीम लहजा है भाई बिलाल रजा सिबानी साहब की औलाद, तशरीफ फरमाए। मैं चाहता हूँ इनको इस खूबसूरत माहौल में आपके हवाले कर दूं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक नारा लगाए, नारे तकबीर माशाल्लाह। थोड़ी सी बुलंद आवाज करेंगे इस ख्याल के साथ कि तुम भी सोचो कैसा वो नजारा होगा जब तेरी माँ ने मोहब्बत से पुकारा होगा। और हम न छोड़ेंगे दामने आला हजरत, अहले मठिया वालों के यही नारा होगा, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। मैं चार मिसरों से बुलाऊंगा कि अगर शायर होता तो गजल लिख देता, तेरे नाम के आगे कवल लिख देता, और अफसोस कि आगरा नहीं मेरा नाम, वरना तेरे नाम के बदले ताज महल लिख देता।